आज की वीडियो में हम जानेंगे कॉमन पोजीशंस के बारे में। एजेंट जी होते हैं तो वो जो ऑपरेशन के लिए ओटी के अंदर आते हैं, तो उनके लिए ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग पोजीशन देनी पड़ती है। किसी को सुपाइन पोजीशन में हम ऑपरेट करते हैं, किसी को प्रोन पोजीशन में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओटी के अंदर या वार्ड के अंदर कौन कौन सी कॉमन जो पोजीशन रहती है वो दी जाती है। एक हमारे सब्सक्राइबर थे तो उन्होंने पूछा था, सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, तो आज मैं कोशिश करूंगा जितनी भी कॉमन जो पोजीशन हम ओटी के अंदर देते हैं पेशेंट को, तो उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आप भी यदि आप लोगों को किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो कमेंट में लिख सकते हो, तो उस पर मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। ये रहेगी हमारी ऑपरेशन टेबल। तो इस पे हम पोजीशन देने से पहले बताऊंगा, इसमें कुछ फंक्शंस रहते हैं जिनके माध्यम से हम पेशेंट को पोजीशन दे सकते हैं। तो इसमें ये रहेगा इसका अप डाउन करने का, इससे यहाँ से हम जो टेबल है उसको अप कर सकते हैं और इसको नीचे दबा के और होल्ड रखेंगे तो ये डाउन हो जाएगी। ये रहेगी ओटी टेबल की। तो इसके माध्यम से हम इसको, इसका जो हेडअप है इसको अप कर सकते हैं और जो फुट एंड है उसको डाउन कर सकते हैं, उसको अप कर सकते हैं और टेबल को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इसके सॉकेट दे रखे लगाने के, जिसमें हैंडल फंसा के हम ये हमारे फुट एंड से डाउन हो जाएगी और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अप हो जाएगी। लगा के हम देखते हैं क्या होता है, इससे ये टिल्ट होगी। इस प्रकार से लेफ्ट या राइट साइड में हमें जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से हम इसको टिल्ट कर सकते हैं। इसका जो हेड हैंड है उसको हमें अप डाउन करना है, तो इस वाले सॉकेट में लगा के इसको हेड साइड से अप कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारी प्लेन हो जाएगी। और एक सॉकेट यहाँ पे दे रखा होता है तो इससे हम जो इसकी किडनी ब्रिज रहती है तो इसको हम अप या डाउन कर सकते हैं। ये वाला पार्ट है इसका अप हो जाएगा। तो जो हमें रीनल स्टोन के जो ऑपरेट करने रहते हैं तो इसको अप करके यहाँ से पेशेंट का, तो अच्छे से सर्जन है वो असिस्ट कर पाएगा और हमारा जो एरिया रहता है जहाँ हमें ऑपरेट करना रहता है तो वो लार्ज मात्रा में एक्सपोज हो जाएगा। इसको अभी क्लीन कर देते हैं, ये डाउन। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये रहेगी हमारी सुपाइन पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, और कॉमन पोजीशन होती है और सबसे ज़्यादा मोस्टली ऑपरेशन होते हैं तो इसी पोजीशन में हम करते हैं। तो इसमें हम पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना रहता है, जनरल एग्जामिनेशन करना रहता है, या हमें हर्निया, अपेंडिक्स, लेप्रोटोमी ऑपरेशन करना है तो इस पोजीशन का हम यूज करेंगे। तो इसमें पेशेंट के हाथों को हम आर्म रेस्ट पे रख देंगे और पेशेंट को सीधा लेटा देंगे। ये रहेगी हमारी सेकेंड पोजिशन और इसको हम कहेंगे प्रोन पोजिशन। ये जस्ट सुपाइन पोजीशन का उल्टा रहेगा और इसमें हम पेट के बल मरीज को टेबल पे लेटा देंगे। और इस पोजीशन का हम यूज करेंगे यदि हमें लंबर रीजन की पीछे बैक साइड का ऑपरेशन करना है और यदि हमें ग्लूटियल एब्सिस है या कोई भी लाइपोमा या सिस्ट हो रही है बैक साइड में, तो उसका ऑपरेशन करने के लिए इस पोजीशन का यूज करेंगे। तो इसमें पेशेंट को उल्टा लेटा देंगे और आर्म रेस्ट पे उसके हाथ रेस्ट करेंगे और उसका जो सिर रहेगा वो किसी भी एक साइड में फेस करता रहेगा। ये रहेगी हमारी लेटरल पोजीशन। इस प्रकार से पेशेंट को किसी एक साइड में हम लेटा देंगे, एक साइड में उसका फेस करके, और लेटरल साइड का हम यूज करेंगे जो हमारा लंग्स है कार्डियक है, तो उसके जो फंक्शंस है उसको प्रमोट करने के लिए। दूसरा करेंगे जो हमारा बैक साइड में और पॉकेट्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है तो उसको रिलीज करने के लिए इस पोजिशन का यूज करेंगे। करेंगे हमारा सीजर है उसका टेक आया पेशेंट को ये करने के लिए, इस पोजीशन का हम यूज करेंगे। हमारी लिथोटोमी पोजीशन, तो इसमें पेशेंट का जो पैर है वो लेगिंग्स पे इस प्रकार से बांध देंगे। तो इस पोजीशन का हम यूज करते हैं बैक साइड का ऑपरेशन करने के लिए, पेरिनियल रीजन का ऑपरेशन करने के लिए। अगर गायनिक ओटी के अंदर डिलीवरी करवाने देते हैं तो उस पोजीशन में हम इस पोजीशन का यूज करते हैं। इसमें जैसे चाइल्ड बर्थ करवाना है तो इसी पोजीशन में करवाएंगे। हमें TURP का ऑपरेशन करना है टूपी में भी इस पोजीशन का हम यूज करेंगे। तो ये इस पोजीशन का सबसे ज़्यादा यूज गायनिक ओटी के अंदर करते हैं या जो लेबर रूम रहता है तो वहाँ पे करते हैं। और
जो चाइल्ड बर्थ करवाते हैं तो इसी पोजीशन में करवाते हैं। पेरिनियल रीजन का एग्जामिनेशन करना रहेगा तो वो भी हम इसी पोजीशन में करेंगे। ये रहेगी हमारी डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, और इस पोजीशन में हम पेरिनियल रीजन का कोई हमें एग्जामिनेशन करना है, परवेजाइनल एग्जामिनेशन करना है तो उस कंडीशन में इसका यूज करेंगे। और इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट के जो पैर है उसको फोल्ड करके टेबल पर रखवा देंगे और सेम लेथ्रोटॉमी पोजीशन की तरह पेशेंट की पोजीशन रखेंगे, लेकिन इसमें पैर को ऊपर नहीं रखेंगे। इसमें हम पेरिनियल रीजन का एग्जामिनेशन करने के लिए इस पोजीशन का यूज करेंगे, तो सर्जन आसानी से पीछे की तरफ से पेशेंट का अच्छे से विजुलाइज करके ऑपरेशन कर सकता है। ये रहेगी हमारी फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन में हम क्या करते हैं, ये बेड पे देते हैं पेशेंट को वार्ड के अंदर, और इस टाइप से रहती है फाउलर पोजीशन। और इसको यदि पेशेंट को हमें फीडिंग करवानी हो, प्राइस टूब डालनी हो, तो इस प्रकार से पोजीशन देंगे हम। तो ये रहेगी हमारी फाउलर पोजीशन, और इसमें बेड को अब इसका जो पोर्शन रहता है उसको उठा देंगे तो पेशेंट है तो इस पोजीशन में आ जाएगा। ये जो 90 डिग्री की एंगल में रहेगा पेशेंट, तो इसको कहेंगे हम फुल फाउलर पोजीशन। ये रहेगी हमारी मीडियम फाउलर पोजीशन या फाउलर पोजीशन। और यदि इसको हम 30 डिग्री पर रखते हैं तो कहेंगे हम लो फाउलर पोजीशन। ये 30 डिग्री हो गया, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री। तो फाउलर पोजीशन में तीन प्रकार से पेशेंट को रख सकते हैं। अगली रहेगी हमारी सिम्स पोजीशन, और इस पोजीशन का हम यूज करेंगे रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। और जो हम एनेमा देते हैं पेशेंट को तो वो भी इसी कंडीशन में हम देंगे, और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस पोजीशन का हम यूज करेंगे। और हमें पेरिनियल रीजन का या एनस रीजन का हमें ऑपरेशन करना रहेगा, तो इस प्रकार से हम पोजीशन देंगे पेशेंट को, और इसमें हम एनेमा दे सकते हैं पेशेंट को, और हमें रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो वो कर सकते हैं। ये रहेगी हमारी टेंडनबर्ग पोजीशन। तो इस पोजीशन का हम यूज करेंगे शॉक पेशेंट में, हाइपोटेंसिव पेशेंट में, और कोड प्रोलेप्स हो जाता है उस कंडीशन में इस पोजीशन का हम यूज करेंगे, और एयर एम्बुलिज्म को ठीक करने के लिए भी इस पोजीशन का हम यूज करेंगे। ये रहेगी हमारी नी चेस्ट पोजीशन, और इस पोजीशन में हम जो हमारा पीछे से एनएस का ऑपरेशन करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो इस पोजीशन का हम यूज करेंगे। तो इसमें हम उसकी पीछे की जो साइड है उसको उठा देंगे। ये रहेगी हमारी ऑर्थोपेनिक पोजीशन, और इस पोजीशन का हम यूज करते हैं थोरोसेंट्रेसिस पेशेंट में, और पेरिकार्डिक पेशेंट में, जो पेशेंट रहते हैं ARDS के, अस्थमा वाले, COPD वाले, इम्पाइसीमा वाले, उन पेशेंट में इस पोजीशन का हम यूज करते हैं, जिससे क्या है कि उनका जो लंग्स है वो अच्छे से काम करे और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो इसमें हम पेशेंट को बेड पे बिठा देंगे और आगे कुछ रेस्ट रखने के लिए, हाथ को रेस्ट करवाने के लिए कुछ डिवाइस रख देंगे, जिससे वो पेशेंट इस प्रकार से बैठ के और आराम से सांस ले सकें। तो इस प्रकार से आज हमने अलग अलग पोजीशन जानी जो हम वार्ड में या OT के अंदर यूज करते हैं ऑपरेशन करने के लिए।